हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एनीज करेड लाइफ। आज है सैटरडे द 7th of January एंड मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज शाम से। तो शाम का वक्त होता है चाय का वक्त। आप मेरे व्लॉग्स में चाय देखते देखते शायद बोर हो चुके होंगे, मगर क्या करूँ, मैं हूँ आदत से मजबूर और मुझे चाय तो इतनी पसंद है, वो तो मैं मिस कर ही नहीं सकती हूँ और ना ही आप सबसे शेयर किए बिना रह सकती हूँ। किचन इज़ माई फेवरेट प्लेस टू बी इन बिकॉज आई एम अ बिग 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 फूडी एंड आई लव होम मेड फूड। सो मैं इस जगह को थोड़ा कलरफुल, थोड़ा ब्राइट, थोड़ा एस्थेटिक रखने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई लव इट दिस वे ओनली। ये दिस इज़ समथिंग मैं करती हूँ थोड़ा रिजुविनेशन के लिए एंड दिस इज़ समथिंग मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। And I am just in love with cups and mugs. And मैं आपको क्या बताऊँ, आप सोचोगे कि एनी इतनी सारी कप्स लेते रहते यूज़ भी करती है कि नहीं। तो आंसर इज़ जी हाँ, मैं यूज़ करती हूँ और जब जब मुझे जैसे जैसे जिस जिस कप में पीना अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू माई मूड आई जस्ट पिक दैट अप एंड मैं अपना चाय या कॉफ़ी चाय मोस्टली वो इंजॉय करती हूँ। सो इट्स चाय टाइम और मैं लेके जा रही हूँ चाय मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर के लिए। विंटर का टाइम है, बिस्तर में बैठ के कोजी कोजी हो के फिर चाय का मज़ा लेने में कुछ अलग ही बात है। और ये मेरा आ गया बिग बास्केट से डिलीवरी, जो मैंने कुछ सामान मंगाई थी विथ रिगार्ड्स टू फूड फूड एंड ओनली फूड। सो मैंने प्लान किया था कि आज मैं पाव भाजी बनाऊंगी। बहुत दिनों से पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा था एंड तो मैंने सोचा मैं फटाफट पाव एंड पाव भाजी का मसाला एंड ऑल आई गेट। एंड मैंने कुछ यू नो बर्गर पैटी वगैरह भी मंगवाया है क्योंकि रायन भी बोल रहा था उसको बर्गर भी खानी है, तो वो मैं नेक्स्ट दिन प्लान कर रही हूँ डिनर में। एंड विंटर्स है, बात करूँ पाव भाजी का तो विंटर्स है एंड यू गेट सो मैनी ऑप्शंस ऑफ वेजिटेबल्स टू ऐड इन पाव भाजी एंड विंटर में अगर पाव भाजी नहीं बनाया घर पे तो क्या बनाया। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से द मोस्ट ईजिएस्ट वे में पाव भाजी बनाती हूँ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी का भाजी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने ऐड किया है ऑयल और हम घर पे राइस ब्रैन ऑयल ही यूज़ करते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं उसमें मिलाऊंगी होल जीरा करीबन 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून के तरह एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया ताकि इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है भाजी का जो मसाले का वो बहुत ही अच्छी तरह से खिल के आएगा और वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लेवर इन्फ्यूज्ड करेगा ताकि द वेजिटेबल बिकम्स रियली फ्लेवरफुल। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में लिया है गाजर, बीटरूट, फूल गोभी मतलब कॉलीफ्लावर एंड ग्रीन पीस एंड पोटैटोस। इसमें मैं अभी ऐड करूँगी नमक एज़ पर टेस्ट एंड इसको
एक अच्छा सा स्टर दूंगी, थोड़ी अच्छी तरह से स्टर करूंगी, सारा नमक मसाला वगैरह वेजिटेबल्स के साथ मिल जाए। एक प्रो टिप देना चाहूंगी, बीट रूट को मिस नहीं कीजिएगा। बीट रूट आपके सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा एक कलर लाएगा, भाजी का कलर, जो स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी में बहुत अमेजिंगली आपको दिखता है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, एंड अगेन आई गिव इट अ गुड स्टर, गुड मिक्स। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें गर्म पानी मिला के इसे ढक दूंगी और 3 से 4 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम में दूंगी ताकि ये सब्जियां जो है अच्छी तरह से पक जाए। और हमारा सीटी जो है वो लग चुका है, सब्जियां पक चुकी है। अब तैयारी करेंगे हमारे भाजी के तड़का लगाने में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा कढ़ाई और उसमें मैंने मिलाया है तेल। तेल को हम थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे एंड उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे बटर, और बटर बहुत ही जेनरस अमाउंट में हम डालेंगे ताकि तेल के साथ बटर मिलने के बाद उसका और भी अच्छा फ्लेवर आए हमारे पाव भाजी के जो सब्ज़ी है भाजी है उसमें। और पहली वेजिटेबल जो मैं इसमें मिला रही हूँ वो है कैप्सिकम एंड अनियन। कैप्सिकम अनियन मिलाने का मकसद यही है कि इसमें बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर कैप्सिकम का वो हमारे बटर या तेल में बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग सा एक फ्लेवर देगा हमारी सब्ज़ी में। हमें इस मिक्सचर को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, हाई फ्लेम में स्टर करते रहना है ताकि प्याज का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, मगर प्याज को हमें जलने नहीं देना है। और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन भी ऐड किया हुआ है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास होता है तब आप मिलाइए, अगर नहीं होता है देन इट्स ओके। अभी विंटर का सीज़न है, मिल रहा है, इसीलिए मैंने इसको मिलाया। उसके बाद मैं इसमें ऐड किया है पाव भाजी मसाला एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नॉर्मल रेड चिली पाउडर हम यूज़ नहीं करते बिकॉज रायन को बहुत ही तीखा लगता है। एंड मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट एंड नमक स्वाद अनुसार डाला हुआ है। एंड उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। हाँ, आपको धनिया पत्ता एकदम ज़्यादा करके, मुझे धनिया पत्ता बहुत ही पसंद है तो मैंने लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स जो है चॉप करके उसमें डाली हुई है। एंड अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिलाऊंगी और पकाऊंगी। ये तड़का रेडी होगा, उसके बाद मुझे इसमें मिलाना है जो सब्ज़ी है हमने रेडी किया हुआ था कुकर में उसे, मगर आपको उससे पहले इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर आए, आपको समझ में आएगा जब आप, बहुत ही अच्छा एक सुगंध आपको मिलेगा तब। और ये रहा वो सब्ज़ी जो मैंने कुकर में ऐड किया हुआ था, बनाया हुआ था सब्ज़ी, तो वो मिला दिया है यहाँ पे। एंड नाउ यू हैव टू मिक्स इट रियली वेल। एंड आपके पास मैशर तो ज़रूर होगा बिकॉज हमें स्पैचुला से हम ज़्यादा मैश नहीं कर पाएंगे। एंड चूँकि हमने इसको ऑलरेडी कुकर में पका लिया है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर तक मैशर से मैश करेंगे तो सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से मसाले में जो है वो मिक्स हो जाएंगी। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उसका कलर इतना मज़ेदार आया है, इतनी अच्छी आई है, नेचुरल रेड कलर, जो एकदम बिल्कुल जैसे स्ट्रीट में हमें पाव भाजी मिलती है ना, जिस इतना कलरफुल एंड फ्लेवरफुल, बिल्कुल उसी तरह से। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर इन टू दी भाजी। एंड थोड़ा थोड़ा आप गरम पानी जो है वो मिलाइएगा फॉर
कीपिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द भाजी, ताकि भाजी जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूखे ना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। और उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है थोड़ा सा नींबू का पानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने उसमें थोड़ा स्प्रिंग अनियन, धनिया के पत्ते एंड बटर ऐड किया है और उसे हल्के हाथों से मिला लूँगी ताकि उसका फ्रेश फ्रेश फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से भाजी में आए। एंड यस, आर पाव भाजी का भाजी इज़ रेडी। अभी हम जो है पाव रेडी करेंगे एंड उसकी प्लेटिंग करेंगे। और यहाँ मैंने पाव ले लिया है और उसे थोड़ा स्लिट करूँगी। और मैंने यहाँ तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है। तवा में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर, और बटर में मैं थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला भी मिलाऊँगी ताकि पाव में भी वो पाव भाजी वाला फ्लेवर अच्छी तरह से आए और जब हम उसे खाएंगे ना तो बहुत ही मस्त और मज़ेदार लगेगी खाने में। दैट्स इट फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाव भाजी का प्लेटिंग। एंड ये पहला प्लेट जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए। एंड जस्ट लुक एट द कलर, गरम गरम भाजी जो है सर्व हो रही है प्लेट में एंड उसमें गया है पाव। एंड देन मैं इसमें थोड़ा सा सैलड भी दूंगी, थोड़ा खीरा और अनियन जो प्याज है वो मिला के मैंने रखा हुआ था। एंड दैट्स अबाउट इट, जस्ट लुक एट इट, हाउ अमेजिंग एंड डिलीशियस एंड टेम्पटिंग इट इज़ लुकिंग। एंड मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंड्स, इट केम आउट सो वेल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बना था। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कैसा बना था। एंड आई होप आपको ये कुकिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है मेरी एफर्ट्स, प्लीज़ डू नॉट फोरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।